निमेट टुडे में आपका स्वागत है। बिजली कंपनी द्वारा निमेट शहर भर में बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं और ये बिजली के जो स्मार्ट मीटर है शहर में नहीं बल्कि गांव में भी लग रहे हैं, लेकिन इसके जो प्रभाव है वह बड़ा आर्थिक नुकसानदायक वाला हो रहा है और ये स्मार्ट मीटर ज्यादा बिल उगल रहे हैं। यूं कहें कि जो बिल पहले कम आते थे स्मार्ट मीटर लगने के बाद एकदम यूनिटें बढ़ रही हैं और उसके चार्जेस बढ़ने से लोगों को बिलों का करंट लग रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटर बिजली कंपनी द्वारा घर घर लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब युवा नेता और जिला पंचायत के सदस्य तरुण भाई जी मैदान में आ गए हैं। वे गांव गांव जा रहे हैं, वार्ड वार्ड जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और स्मार्ट मीटर की पोल खोल रहे हैं। दरअसल स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो बिजली के बिल 500-1000 रुपए के आते थे वे 2-3 हजार रुपए के आ रहे हैं। जिनके घर में केवल एक लट्टू जलता है या एक बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है, वहाँ 3-4 हजार रुपए का बिल कैसे आ सकता है, ये बड़ा सवाल बन रहा है। और तरुण भाईटी के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस पूरे स्मार्ट मीटर की पोल खोल रहे हैं और एक अभियान और एक आंदोलन के रूप में यह लड़ाई बढ़ती जा रही है। साथियों, स्मार्ट मीटर का कहर जो नीमच में बरस रहा है वो आज हम यहाँ पर स्कीम नंबर 7 जो नई आबादी है वार्ड नंबर 23 में आए हैं। माताएं बहनों और भाई भी आपके साथ खड़े हैं। आप इनकी ये सब मजदूर के में ही काम करते हैं और इनकी खुद इनकी जुबानी सुनिए कि स्मार्ट मीटर से ये लोग कितना परेशान है। आप बताओ भैया, पूछो, सबसे पूछो आप। हमारा पहले आता था 300-400 रुपये बिल, अभी आया हमारे इस महीने का 5,668 रुपये। तो हम मतलब कैसे क्या करेंगे, हम अभी ऐसे नया मीटर लग के आया तो उसमें क्या होगा हमारा? हमारा आता था 150 रुपये का बिल और अभी आया 2500 रुपये का बिल। अपना बताओ सर। हमारे पहले आता था 200 रुपये का, जब से नया मीटर लग रहा था अगले महीने इसको 2100 रुपये का भरा और ये सर इस महीने का आया पूरा 3200 रुपये। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अफजल। आप बताओ दीदी। मेरा 200 रुपये महीने का बिल आता था और अभी अगले महीने 1400 रुपये का बिल आया है, उससे पहले भी 1000 के आसपास। आपका नाम? आपको बताओ जी। आपको बताओ। 2000 रुपये महीने का, क्या बोले, 200 रुपये महीने का बिल आता था, अभी 2 महीने के बाकी 3500 का बिल आया। आपका? मेरे 6000 रुपये बिल आया, अभी हम 6000 भर के बैठे हैं, पहले 200-300 रुपये आते थे। आपका बताओ दीदी। हमारा तो 100 रुपया आता था, अभी 3000 रुपये का बिल आ रहा है। हाँ। आपका? हाँ, हमारे को बताया हमारा ही वो है ना, 3-4 आते थे जब याना 3-4 हजार आ रहा है बिल। क्या नाम है आपका? नाम मेरा दुर्गा भाई। दुर्गा भाई। तो आपका दीदी? 1700 का आया, हमारे आता 200 का पहले आता था, अभी 1700 का आया है। तो ये जो बस्ती है ये इसमें आप देखिए कि ऐसी नीमच में कोई एक बस्ती नहीं बची जहां पर स्मार्ट मीटर के बिल ज्यादा नहीं आ रहे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारी जवाब देने को तैयार है नहीं और सीधा बिल जमा नहीं हो रहे, उनकी लाइट काट रहे हैं। ये एक अत्याचार जो मध्य प्रदेश शासन जो सब पे कर रहा है। हमने इसकी लड़ाई में हम लोगों ने अभियान शुरू किया है, इसको जन आंदोलन बनाएंगे और इसके लिए कलेक्टर से मिलेंगे जाके और बोलेंगे कि आखिर ऐसा क्या जादू है नए मीटर स्मार्ट मीटर में जो आम आदमी का घर तबाह कर रहा है। एक मजदूरी करने वाले का आदमी का बिल अगर 2-2 हजार रुपए, ये झाड़ू पोछे काम करते हैं, कोई मंडी में अम्बाली करते हैं, इसके बिल इतने आने थे, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जाँच का विषय है। धन्यवाद। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़कर आ रहे बिजली बिलों से नीमच के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के युवा नेता तरुण बायती मैदान में आए और स्मार्ट मीटर की पोल खोली। तरुण बायती लगातार नीमच के ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष तरुण बायती ने बताया कि पूरे नीमच शहर में माताएं बहने स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़कर आ रहे बिजली बिलों से परेशान है। एक व्यक्ति शिकायत करे तो अलग बात है, पर हर व्यक्ति स्मार्ट मीटर के बिलों की शिकायत देकर खुद आगे आ रहा है। विडम्बना है कि आज भी बिजली कंपनी के अधिकारी स्मार्ट मीटर के गुणगान में लगे हैं, जबकि स्मार्ट मीटर लोगों का घर बर्बाद कर रहा है। तरुण बायती वार्ड नंबर 23 स्कीम नंबर 7 अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड में पहुंचे और ज्यादा बिजली बिलों से परेशान लोगों से बात की। तरुण बायती ने बताया कि नीमच के अम्बेडकर कॉलोनी में जहां मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं, यहां भी स्मार्ट मीटर लगने के बाद भारी भरकम बिजली बिल आए हैं। स्मार्ट मीटर के प्रति जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, स्मार्ट मीटर का विरोध जन आंदोलन बनेगा। साथियों नमस्कार, ये अम्बेडकर कॉलोनी है जहाँ पर सब लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं और इनके स्मार्ट मीटर का आतंक और इतना कहर है कि आम ये माताएं बहने और आम जनता से आप पूछिए कि बिल इनके इतने स्मार्ट मीटर लगने के बाद आ रहे हैं, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे कितने कितने बिल इनके आ रहे हैं। भैया बताओ कितने बिल आए आपका? मेरा 2500 रुपए आए। पहले कितने आते थे? 700-800 रुपए। आप बताओ जी। मेरे 400 यूनिट आ, मगर अब इतना बिल आ के अच्छा ज्यादा
अब मैं भर नहीं सकता हूँ, गरीब आदमी हूँ। पहले कितने का आता था? पहले 1500 रुपए का बिल आता था। आपका भैया? हमारे 2000 एवरेज में आ रहा है 3-4 महीने से, और स्मार्ट मीटर नहीं लगा तो उससे पहले 700-800 का आता था। जब से स्मार्ट मीटर लगा तो हम यूँ तो भन्नू भरते हैं, बाकी अभी पैसे की रोजगार भी नहीं है, मजदूरी हो नहीं पाती बराबर, तो उसको किस्त में भी करना चाहता हूँ, होता नहीं है। आता पहले 500-550 का बिल आता था, अब 3000 रुपये का बिल आता है। जो माता बहने भी साथ में है, ये बहने बताएगी कि आपके जो स्मार्ट मीटर कितना कहर घर परिवार का कितना चल रहा है, बताओ आप। कितने बिल आया आपका? 2000 का बिल। हाँ, हमारे बबीता दीदी है, इनसे पूछो। पहले तो 500-700 का बिल आता था, अब तो 1000, 1500, 2200, 2500 ऐसा बिल आ रहा है। आपको सबका बताओ कितने बिल आया? हमारा तो डायरेक्ट 5000 का आया है। और पहले कितने का आता था? पहले तो है ना 1000-1500 बस। और दीदी आपका? हमारे भी 2000-2500 से कम बिल नहीं आता, और मजदूरी करते हैं, कैसे भरे बिल को, बहुत समस्या हो रही है, लाइट काटने आ जाते हैं हर बार। पहले कितने का आता था? पहले 700-800 का बिल आता था। आप भी बताओ बहन जी, पहले बिल कितने का आता था? 500-600 का आता था, आजकल तो 1000-2000 तो वो ज्यादा ही आ रहा है। अभी आपका मुझे से तो बहुत बिल आ रहा है, पहले मेरे 100 रुपए का आता था, अब बिल बढ़ के 100-200 का सिस्टम था, तो अभी 2-3 हजार का मीटर लगे तब से ज्यादा बिल। आपको सर मेरा है ना 400-450 का बिल आता था, और अब 2000-2200 अभी 1800 रुपए का बिल आया। ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, स्मार्ट मीटर का कहर हर एक वर्ग में फैला हुआ है, और कोई अधिकारी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है कि हमारा बिल इतने लोग बिल आ रहे हैं। कुल मिलाकर स्मार्ट मीटर एक छोटी समझी साजिश है, जिसे जो लोगों के घर जेबों खाली करा सके, इस सबकी लड़ाई लड़ना है, जन आंदोलन की शुरुआत है। हम सब एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे इस लोगों को, पूरे नीमच के लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।